पीएसआर चैनल आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट क्लाउड होस्टिंग कंपनीज तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छी क्लाउड होस्टिंग कंपनीज कौन कौन सी है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के डिस्काउंट लिंक मिल जाएंगे तो डायरेक्टली जाकर सकते हैं और अगर आप नहीं बताइए बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सुबह आपको मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ओके गाइस तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में जितने भी क्लाउड होस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उन सभी के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे ठीक सब है सबका डिस्काउंट लिंक रहेगा किसी में आपको सेवेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा किसी में नाइन्टी परसेंट और किसी में एट्टी परसेंट ठीक है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जाके आप आराम से देखो क्योंकि लिंक तो वही रहेगा कहीं नहीं जाने वाला ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं देखो गाइज यहां पर क्लाउड होस्टिंग की जब हम बात करते हैं ना वो इसलिए करते हैं नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली होस्टिंग बहुत सारे होते हैं क्लाउड होस्टिंग की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है 100 ठीक है है अप अप टाइम टाइम ठीक एक सबसे बड़ा रीजन होता क्लाउड होस्टिंग लेने का नहीं तो शेयर्ड होस्टिंग है वर्डप्रेस होस्टिंग है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है वीपीएस होस्टिंग है डेडिकेटेड होस्टिंग है बहुत सारी चीजें होती है हालांकि डेडिकेटेड होस्टिंग और वीपीएस बहुत कमाल की चीज है ठीक है वो एक अलग लेवल पे काम करती है ठीक है और काफी कॉस्टली होता है लेकिन क्लाउड होस्टिंग स्पेशल इसलिए क्योंकि यहां पर आपको मिलता है हंड्रेड परसेंट टाइम और तो और आपको खुद सारी चीजें मैनेज भी नहीं करनी पड़ेगी जैसे आपको डेडिकेटेड होस्टिंग या फिर वीपीएस में मैनेज करनी पड़ती है ठीक है कंपनी आपको सब कुछ मैनेज करके देती है ओके और आपको कमाल की कंफिगुरेशन मिलती है क्लाउड होस्टिंग में जो कि आपको शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को नहीं मिलती ओके चलो अब हमारी पहली कंपनी है केमी क्लाउड जिसकी वेबसाइट आपके सामने ओपन है अब इसके डिस्काउंट लिंक में अगर आप जाकर क्लिक करके परचेस करते हो तो आपको मिलेगा का का डिस्काउंट और मंथ्स आपको बोनस होस्टिंग मिलेगी यानी कि थ्री मंथ्स जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगी अगर आप तीन साल का होस्टिंग प्लान लेते हो तो ठीक है और तीसरा फायदा जो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा वो ये है कि आप जब भी रिन्यू कराओगे भले एक साल का लो होस्टिंग या फिर दो साल का लो या फिर साल तीन साल का लो जब भी आप रिन्यू कराते हो तो जिस प्राइस में आपने अभी पहली बार में परचेस किया है उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा ठीक है अब केमी क्लाउड की क्या क्योंकि हम इसको पांच साल से इसको यूज कर रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं कि कोई एक वेबसाइट होस्टेड है पचासो वेबसाइट होस्टेड है ठीक है अब आप सोचोगे कि पचास वेबसाइट एक बंदा क्यों क्यों होस्ट करके बैठा गया एक बंदे की बात नहीं है यहां पर हमारी कंपनी होस्ट करके बैठी है क्लाइंट्स के वेबसाइट्स को ठीक है और केमी क्लाउड में पचास वेबसाइट होस्टेड है कुछ ऐसी होस्टिंग कंपनियां जिसमें इससे भी ज्यादा होस्टेड है ठीक है वो इसलिए क्योंकि उनकी भी टेस्टिंग चल रही है और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग अपना खुद का चॉइस लेकर आते हैं ठीक है अब क्योंकि केमी क्लाउड एक इंडियन कंपनी नहीं है इसीलिए लोगों को क्या लगता है कि यार आ, केमी क्लाउड का ज्यादा नाम ही नहीं सुना है इंडियन कंपनीज जो होते हैं उनका नाम सुनते हैं और वो आके बोलते हैं तो उनको किसी ने बताया होगा कि ये कंपनी अच्छी कंपनी अच्छी तो वो लोग आके अपना अपना खुद का डिमांड बताते तो हम लोग क्या है ना हम बोलते हैं किमी क्लाउड ले लो ये ले ले लो क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम उन्हें कुछ नई चीज बता रहे होंगे तो इतनी अच्छी चीज नहीं होगी ऐसा लोग सोचते हैं है ना क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता वो पहली बार आते हैं तो ठीक है धीरे धीरे हम पहले उनको उनकी जो पसंद की होस्टिंग होती है हमें हम कहते हैं उसी पे होस्ट कर लो ठीक है बाद में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है हमें बोल देना तब हम केमिकल में आपके वेबसाइट को होस्ट कर देंगे आपको मतलब माइग्रेट कर देंगे ठीक है ऐसा हम बोलते हैं तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आता है हमारे पास हम चाहते हैं कि वो है ना खुश रहे खुश रहे मतलब वो जिस जो एक्सपेक्टेशन लेकर हमारे पास आता है वो हम उसको फुलफिल करके दें

स होस्टिंग रीसेलर होस्टिंग और बीपीएस होस्टिंग आप सोच रहे होस्टिंगे कि यार क्लाउड होस्टिंग कहा गया गई देखो एक्चुअल में केमी क्लाउड जो है आपको ये सारे होस्टिंग क्लाउड सर्वर पर दे रहा है ये रियलिटी देखो कंफ्यूज नहीं होना है तो चीजें बहुत सारी होती है कंपनीज अलग अलग बस नाम लेती है कोई कंपनी अपने होस्टिंग के अंदर वो वो भी एग्जांपल दूंगा मैं आगे कंपनीज दूसरे भी हैं जिनके बारे में बताऊ आपको तो कंपनीज क्या करती है कुछ लोग क्लियरली लिख देते हैं क्लाउड होस्टिंग और कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं शेयर वर्ड होस्टिंग, रिसल होस्टिंग सब लेकिन होता क्या है? ये सब क्लाउड सर्वर पर चल रहा है ये रियालिटी है है ना सर्वर अलग अलग तरह के होते हैं देखो अब अपाचे होस्टिंग अपाचे सर्वर पे भी शेयर वर्ड होस्टिंग रिसल होस्टिंग और ये सब कुछ मिलता है लेकिन क्लाउड नहीं रखता है क्लाउड का पूरा का पूरा जो है सिर्फ क्लाउड सर्वर पर चलता है लेकिन अगर आप कोई दूसरी कंपनी के पास जाओगे जाओ अगर आप बिग्रो के पास आते हो तो वो अपाचे सर्वर पे रखता है शेयर वर्डप्रस होस्टिंग लिनक्स सर्वर पे कोई कंपनियां रखती है शेयर होस्टिंग वर्डप्रस होस्टिंग कोई लाइट स्पीड सर्वर पर रखती है शेयर वर्डप्रस होस्टिंग और रियलिटी यह है कि जो लाइट स्पीड सर्वर है वो क्लाउड सर्वर में भी होता है क्लाउड सर्वर एक अलग कैटेगरी है जिसके अंदर ये सारे सर्वर्स आते हैं और उन सारे सर्वर से सारी तरह की होस्टिंग भी आती है है ना तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन इतना कॉम्प्लीकेटेडेड है वो क्लाउड सर्वर पर चलता है पूरी तरीके से और उसके अंदर आपको लाइट स्पीड सर्वर मिलता है और उस लाइट स्पीड सर्वर पे जो है आपको होस्टेड है ये सारी होस्टिंग प्लान जो है वो लाइट स्पीड सर्वर से आ रही है ठीक है लाइट स्पीड सर्वर भी दो तरह के होते हैं एक नॉर्मल सर्वर और एक क्लाउड सर्वर ठीक है तो आपको यहां मिल रहा है क्लाउड सर्वर और क्लाउड सर्वर में भी सबसे फास्टेस्ट सर्वर जो कि लाइट स्पीड और उस लाइट स्पीड में आपको ये सारे होस्टिंग प्लान मिल रहे हैं ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि ये शेयर होस्टिंग है लेकिन क्लाउड सर्वर पे क्योंकि इसलिए ये क्लाउड होस्टिंग माना जाएगा अब शेयर होस्टिंग की सारी क्वालिटीज इसमें होंगी क्लाउड होस्टिंग की सारी मतलब वर्ड होस्टिंग की सारी क्वालिटीज इसमें होंगी रिसलर होस्टिंग की सारी क्वालिटीज इसमें होगी बीपीएस लेकिन चलेगा सब सर्वर जो है क्लाउड सर्वर पर इसीलिए आप कोई भी होस्टिंग प्लान लो आपको हंड्रेड परसेंट का अपटाइम मिलेगा ठीक है तो अब आप सोचोगे कि यार शेयर्ड लें कि वर्डप्रेस अब गाइस देखो शेयर्ड और वर्डप्रेस में यहां पर डिफरेंस क्या है बताता हूं देखो सबसे पहले चलते हैं शेयर्ड होस्टिंग में यहां पर आप देख सकते हो 2.95 3.95 और फोर का प्लान है बहुत ही अफोर्डेबल प्लान बहुत ही अफोर्डेबल प्लान है क्योंकि आपको एक तो मिल रहा है क्लाउड सर्वर और उसमें भी आपको मिल रहा है लाइट स्पीड देख सकते हो लाइट स्पीड सर्वर है यहां पर ठीक है अब इस प्राइस रेंज पर आपको कोई भी क्लाउड होस्टिंग नहीं देता है यह रियलिटी है ठीक है कुछ कंपनियां देती थी उनकी प्राइसिंग अभी थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन क्लाउड ने अपना प्राइस बिल्कुल वैसा ही रखा है क्योंकि केमी क्लाउड जो है एक ऐसी कंपनी है जो फॉलो करती है स्टैंडर्ड ठीक है वो ऐसा नहीं कि मतलब Uh, आपने बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा जब आप कोई बिस्किट वगैरह लेना चाहते हो तो पह, पहले दस रुपए का पैकेट आता है उसमें सात बिस्किट आते हैं फिर क्या होता है छह बिस्किट होता है फिर होता, पांच होता है पांच बिस्किट तो ये वाला काम केमिक्लाउड नहीं करती है केमिक्लाउड का जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा एक जैसा रहेगा ठीक है अगर जब प्राइस बढ़ाना होगा तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा क्योंकि इस क्वालिटी में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है केमिक्लाउड केमी क्लाउड का जो जैसा प्लान आप कभी भी आओ पूरे साल में कभी भी आ जाओ आपको यहां पे इस प्लान में वन जीबस ट्वेंटी जीबी कैमरे में सो स्टोरेज मिलेगा भले ही होली हो दिवाली हो क्रिसमस हो ब्लैक फ्राइडे हो कुछ भी हो साइबर वीक हो, हो कुछ भी हो जाए आपको इसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं कि आप मान लो दिवाली के टाइम पे आ रहे हो तो यहाँ पे तीस जीबी की जगह तीन सौ जीबी कर दिया कुछ नहीं होगा इनका स्टैंडर्ड ऐसा रहेगा और इसमें किसी तरह का कोई आइन आउट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते लोग क्या करते तीन सौ जीबी तो करते थे लेकिन I -Node लगा देते हैं। पर आप मुश्किल से वहां पर तीन यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तो तीन भरते, भरते I -Node, I -Node सारे भर जाते हैं फिर बचा हुआ आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको भर चुके आइनोड का मतलब होता है नंबर ऑफ फाइल नंबर ऑफ फाइल्स ये कंपनी है किसी तरह का लगाते अगर तीस जीबी स्टोरेज आप बोल रही कि आपको देंगे मतलब आपको देंगे ठीक है आप पूरा का पूरा यूज कर सकते हो है और बाकी कंपनी आपको एस एस स्टोरेज देती है कंपनी आपको एन बी एस डी स्टोरेज देती है तो वो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है ठीक है तो इस कंपनी का स्टैंडर्ड का कोई मुकाबला नहीं है और केमी क्लाउड में अभी अगर आप देखोगे शेयर 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 का क्या मतलब होता है करने का क्या मतलब होता है क्या शेयर करते हैं हम क्या करते हैं मतलब वेबसाइट शेयर करते हैं नहीं बैनर शेयर करते है? नहीं डोमेन वगैरह शेयर करते, करते माइग्रेस कुछ भी इनमें से कोई भी चीज शेयर नहीं होती है ठीक है ये सिर्फ एक मिथ है लोग सोचते हैं कि यार ये सब चीजें शेयर हो कुछ शेयर नहीं होता है इसमें शेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ देखो आप एक लैपटॉप लोगे एक मोबाइल लोगे आप एक टैबलेट लोगे आप कुछ भी लोग आपको कुछ रिसोर्सेस मिलते है। जैसे कि रैम ठीक है रैम मिलता है, आपको सीपीयू मिलता है ठीक है और यहां पर नंबर ऑफ ट्रांसफर का अपना स्पीड होता है और यहां पर जो है उसको एंट्री बसेस बोलते हैं वेबसाइट में उसको एंट्री बसेस बोलते हैं तो ये सब चीजें क्या होती है रिसोर्सेस होती है तो जो रिसोर्सेस होती है ये रिसोर्सेस शेयर होता है

ये आपको शेयर के प्राइस में वर्ड तो क्या हुआ एक तो आपको मिला क्लाउड सर्वर उसमें आपको मिला सबसे फास्टेस्ट सर्वर लाइट स्पीड ठीक है और उसमें आपको मिलता है जिसमें कोई भी शेयर नहीं होते। तो आपको तीन तीन फायदे मिल गए और प्राइस वैसा वैसा ठीक है अब ये स्टैंडर्ड है ठीक है इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं लोग एप्पल का फोन क्यों लेते हैं एप्पल का फोन आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड देगा ठीक है और वो जो स्टैंडर्ड है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा कभी भी जाओ कैसे भी जाओ एप्पल कुछ खास डिस्काउंट नहीं करता है कुछ भी नहीं करता है हमेशा उनका स्टैंडर्ड रहेगा है, फोन हैंग नहीं होता है फोन लैपटॉप जो होता है ना आप उसको शट डाउन मत करो ठीक है आप उसको जो है खाली ऐसे क्लोज करके रख दो वापस स्टार्ट करोगे उसी तरीके से वो लैपटॉप चलता रहेगा कहीं अटकेगा नहीं कुछ भी नहीं होगा जो जिस प्रोसेसिंग में फोर के प्रोसेसिंग वगैरह जब आप कोई विंडोज के लैपटॉप पे करते हो तो आपको दो घंटे तीन घंटे चार घंटे लग जाते हैं वही फोर के प्रोसेसिंग दस मिनट या पंद्रह मिनट में लैपटॉप को लैपटॉप करके देता है क्यों क्योंकि पावर ही ऐसा है उसमें ठीक है तो इसीलिए वो चीजें खास होती है वैसे ही ये होस्टिंग भी खास है ना इसमें आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगी जो आपको कोई दूसरा दे नहीं सकता ठीक है और ऊपर से ये सब क्योंकि क्लाउड सर्वर पर चल रहा है तो आप जो परफॉर्मेंस वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला अब चलो जल्दी से बात कर लेते हैं प्लान की अब तीन प्लान है वर्प्रस स्टार्टर प्रो और डेफिनेटली वर्प्रोडली वर्प्रेस होस्टिंग ही लोगे क्योंकि आपको शेयर होस्टिंग के प्राइस होस्टिंग मिल रहा है तो हम इसमें यही बात करेंगे ठीक है अब पहला प्लान एक वेबसाइट स्टोरेज स्टोरेज के पीछे मत जाना। स्टोरेज का क्या रहता है है है, कि ये तो चलो दे रहे काफी ज्यादा ठीक लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो पांच जीबी चार जीबी ऐसे भी देंगे ठीक है? वो भी अच्छी बात है वो तीन जीबी चार जीबी भी कम नहीं होता है बस हाँ देख लेना कि NVMe SSD स्टोरेज हो ऐसा नहीं कि कोई आपको एस एस डी स्टोरेज चिपका रहा हो उसके पीछे मत जाना अगर कोई आपको एनबीएम स्टोरेज दे रहा है ठीक है और वो पांच जीबी भी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने जो है छह वेबसाइट एक जीबी में होस्ट किया हुआ है और आराम से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अनलिमिटेड बैंडविड्थ है और बहुत कम लोग बहुत कम लोग मार्केट में सबसे सस्ते वाले प्लान में अनलिमिटेड बैंडविड्थ देते हैं ठीक है फ्री डोमेन है वर्ल्ड सो वन वर्ड प्रसो मिल जाता है फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिल जाता है किसी भी होस्टिंग कंपनी से आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ माइग्रेट कंपनी खुद करके देगी ठीक है माइग्रेशन के कोई पैसे नहीं लेते आपसे टेन डेज बैकअप अब आप देखोगे कि टेन डेज बैकअप का क्या मतलब है आपने देखा होगा कि डेली बैकअप देखा है वीकली बैकअप देखा है मंथली बैकअप देखा है टेन डे बैकअप क्या चीज है कैसे देखो यहां पर क्या है ये जो भी क्लाउड होस्टिंग कंपनीज होती है ना जितनी भी वो कोई भी आपको वीकली बैकअप या मंथली बैकअप नहीं देते ये सारी कंपनी आपको डेली बैकअप देती हैं ठीक है अब ये तो बात बात है है ये तो अंडरस्टूड इसलिए पे लिखा नहीं है कि डेली डेली बैकअप बैकअप तो हर कंपनी देती है जो भी क्लाउड होस्टिंग में काम करती है अब इसमें क्या है कि आपका हर रोज बैकअप लिया जाएगा और हर एक को, हर एक एक बैकअप बैकअप को को दिन के को अगले दस दिन तक रखा जाएगा उसके बाद कंपनी डिलीट कर देती है ठीक है मतलब थोड़ा समझना समझा रहा हूं मैं इस चीज को क्योंकि हालांकि इस वीडियो में इतना समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बेस्ट कंपोस्ट कंपनीज की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक तो समझाना जरूरी है जिन लोगों ने छोड़ के चले गए होंगे वो हो सकता है इन चीजों को शायद कभी जान नहीं पाएंगे देखो टेन डेज का बैकअप का क्या मतलब रहता है मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाया आपने ट्वेंटी जीबी स्टोरेज पूरा भर दिया ठीक है पूरा भर दिया अब आपका बैकअप हर रोज लिया जाता है तो हर रोज ट्वेंटी जीबी स्टोरेज का बैकअप कंपनी ले रही है आपके लिए ठीक है तो आज ट्वेंटी जीबी का लिया और उसको डिलीट नहीं किया क्योंकि दस दिन तक रखना है ना कल भी लेंगे उसको भी डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि उसको दस दिन तक रखना है परसों भी लेंगे डिलीट नहीं करेंगे तो दस दिन तक कंटिन्यूसली बीस बीस जीबी का बैकअप लेके रख रहे हैं मतलब कंपनी आपको क्या लगता है कि कंपनी आपको बीस जीबी दे रही है ऐसा नहीं है कंपनी आपको दे रही है दो सौ जी क्योंकि आपके बैकअप को अभी तो उनको दस दिन तक रखना है ना तो बीस जीबी को दस दिन तक कंटिन्यूसली बैकअप लेंगे तो कितना होगा दो सौ जी स्टोरेज आपके लिए कंपनी हर रोज खाली रखती है ठीक है अब आप सोच के देखो दो जीबी का कोई भी चीज आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको क्या इस प्राइस रेंज में मिलेगा मिल ही नहीं सकता कोई चांस ही नहीं है है ना बस यही चीज है जो मैं याद रखना कंपनी आपको बीस जीबी लिख के देती है कोई भी कंपनी यहां पर आपको तीन जीबी लिख के देती है ना तो कोई भी कंपनी जो है जो डेली बैकअप लेने वाली एक भी कंपनी आपको तीन जीबी का स्टोरेज नहीं देगी अगर आप ऐसा कहीं पर भी किसी ने भी बोल दिया ना तो आप है ना उन पर केस कर देना क्योंकि तीन जीबी स्टोरेज देना फिर हर रोज उनका बैकअप लेकर रखना दस दस दिन बीस बीस दिन तक तो मतलब तीन हजार छह हजार जीबी एक क्लाइंट के ऊपर वो भी महीने के सिर्फ दो सौ दस रुपए में गाइस पॉसिबल ही नहीं है यार पॉसिबल ही नहीं है है ना इतन ये कंपनीज बस ऐसे ही बैकूप बनाती है ठीक है पॉसिबल नहीं है वो चीज हाँ अगर प्राइस ज्यादा ले ले तो पॉसिबल है प्राइस अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा लेती हो अगर मान लो इसका तीन गुना अगर कोई प्राइस ले लेता तो भले ही पॉसिबल हो सकता है ठीक है क्योंकि फिर वो उसके अंदर बहुत सारे और दूसरी चीजें आ जाती है तो खैर इतना हम डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो वो पॉसिबल हो सकता है तो मतलब की कहने का मतलब तो ये कि आज ऑफ मार्च है आज जो बैकअप लिया जाएगा वो टेंथ मार्च तक रखा जाएगा और इलेवंथ मार्च को डिलीट कर देंगे ठीक है इसके बाद एस एस सर्टिफिकेट मिलेगा और लाइट स्पीड सर्वर लाइट स्पीड सर्वर सबसे फास्टेस्ट सर्वर है ठीक है इसका मतलब ये पहले दो सर्वर और हुआ कर देता है अपाचे और एंजेनिक्स ठीक है इन दोनों के बाद लाइट स्पीड आया ये आज कि इस प्रेजेंट में मार्केट में सबसे फास्ट सर्वर लाइट स्पीड है अब यहां पर बदल देता है ठीक है जब आपको सीडियन मिलता है ना तब आपको क्लाउड होस्टिंग से भी ज्यादा पावर मिलता है क्लाउड होस्टिंग ऑलरेडी तो है और ऊपर से सीडियन आपकी वेबसाइट की स्पीड को पच्चीस गुना बढ़ा देती है ठीक है ये एक बहुत मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देता है केमी क्लाउड को आगे रखने में ये इसका बहुत बड़ा रोल है इसीलिए अगर आप क्लाउड के कोई भी रिव्यू चेक करोगे मैं आपको आगे बताऊंगा रिव्यू तो आपको लगेगा कि यार यही एक रीजन है जिस वजह से क्लाउड को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं जो एक बार क्लाउड को यूज कर लेगा ना वो किसी दूसरी गोष्ठ कंपनी के पास नहीं जाएगा ये रियलिटी है ठीक है तो ये हो गई बात यहां पर आपको थर्टी जीबी का स्टोरेज मिलेगा यहां पे अनलिमिटेड अवसर मिलेंगे यहां पर फोर्टी का स्टोरेज मिलेगा और अनिलिटेड मिलेगा इस प्लान में आपको सस्ता वाला प्लान है उसमें आपको दो जी रैम मिलेगा और वन कोर सीपी मिलेगा इसमें चार जीबी रैम मिलेगा और टू कोर सीपी मिलेगा और इसमें आपको सिक्स जीबी रैम मिलेगा और थ्री कोर सीपी मिलेगा बस यह है सारा गेम अब कौन सा प्लान लेना है तो गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वर्ड प्लस प्रो लो ठीक है और अगर आप एक बिगिनर है बिगिनर का मतलब अगर आपको यह पता नहीं है कि आप डेली कितना टाइम दे पाओगे अपने वेबसाइट पर तो उस केस में टू पॉइंट नाइन फाइव वाला ये वाला प्लान लो स्टार्ट हो ठीक है और देख लेना आपको कितने वेबसाइट चाहिए अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट चाहिए तो आपको ये वाला प्लान लेना ही पड़ेगा वर्ड प्रो वाला अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो आप के साथ शुरू कर सकते हो ठीक है जल्दी से देख लेते इसका रिव्यू रिव्यू देखने के लिए हमेशा कोई भी होस्टिंग कंपनी लो कोई फर्क नहीं पड़ता रिव्यू देखने के लिए होस्ट एडवाइस और यहां पर कंपनी का नाम लिखना केमी क्लाउड ठीक है ये ऊपर सर्च कर लेना और आप देख सकते हो यहाँ पे फाइव आउट ऑफ फाइव रिव्यू है यहाँ पे फाइव स्टार रिव्यू मिल रहे हैं ये आप देख सकते हो इनके सर्वर्स कहां पर है सत्रह जगहों पर इनके सर्वर्स है सबसे ज्यादा सर्वर्स जो है केमी क्लाउड के मिल रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मुंबई में भी इनका सर्वर है ठीक है यानी कि हमारे इंडिया में भी इनका सर्वर है भले ही कम बाहरी कंपनी है लेकिन इंडिया में सर्वर दे रहा है हमें ठीक है तो ये एक बहुत ही खास बात है और क्विक सीडियन होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया भर में इनके बहुत सारे सर्वर है ठीक है हर सर्वर में एक कॉपी रखी जाती है और इसकी वजह से आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट कौन सर्वर आप शिकागो लो तभी तो वही स्पीड आएगी मुंबई लो तो तभी वही स्पीड आएगी ठीक है क्विक सीडियन में इतना पावर होता है कि वो आपके वेबसाइट को हर जगह से जहां जहां लोग बैठे होंगे आपके यूजर्स बैठे होंगे उनके नजदीकी लोकेशन से आपकी वेबसाइट की कॉपी को उठाकर डिस्प्ले कराया जाता है ठीक है

तो मैं ये चाहूंगा कि गूगल पे कोई भी बंदा जब लिखे क्लाउड होस्टिंग या फिर क्लाउड वेब होस्टिंग तो मेरी साइट जो है वो रैंक हो ठीक है अब अगर मैं शेयर इनके इनके जैसे तो क्या रैंक होगी क्लाउड होस्टिंग में नहीं हो सकती क्योंकि एग्जैक्ट की है ही नहीं तो अब वर्पेक्स होस्टिंग कंपनी क्या कर रही है क्लाउड वेब होस्टिंग ऐसे लिख रही है एक अलग से पेज बना दिया जिसका यूआरएल है अब रैंक होने के चांसेस बन गए इनके और कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी सब चार चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली वही है जो आपको शेड होस्टिंग मिलेगी, और आपको मिल रही है। ये सिर्फ एक अलग पेज बनाया गया ताकि गूगल पर रैंक होने के बेनिफिट मिल पाए और कोई फर्क नहीं पड़ता सारी चीजें यहां पर आप कोई भी होस्टिंग लो भले शेड होस्टिंग लो भले क्लाउड होस्टिंग लो आपको मिलेगा अगर आपको थोड़ा सा बेटर वर्ड प्रोसोर्सिंग चाहिए ठीक है आपके रिसोर्स शेयर नहीं होते ठीक है ये भी पूरी तरीके से काम करता है क्लाउड सर्वर पे और आपको 100 परसेंट अपटाइम मिलेगा यहां पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो यहां पर तीन डॉलर से शुरू हो रहा है वहां पर से शुरू हो रहा था लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो सिल्वर प्लान में आपको पांच डॉलर हो गया जो कि इनके मैक्सिमम प्लान से भी ज्यादा है है ना तो इसीलिए वर्पैक्स होस्टिंग की प्राइस पहले कम थी अभी अभी इनकी प्राइसिंग बढ़ी है लेकिन गाइस का मतलब ये नहीं है कि प्राइसिंग बढ़ गई तो क्वालिटी कम हो गई ठीक क्वालिटी कम नहीं किया इन्होंने क्या किया प्राइस बढ़ाया लेकिन क्वालिटी वैसा का वैसा मेंटेन किया ठीक है तो इस वजह से मैं इसको इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूं आप अगर यहां से होस्टिंग लेते हो तो आपको अच्छी खासी क्वालिटी अभी भी मिलेगी इसका डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है नाइनटी परसेंट का डिस्काउंट आपको ये चीज जो है मिल जाती है ठीक है यहां पर आपके पास कुछ प्लान्स है जैसे कि ब्रॉन्ज है सिल्वर है और गोल्ड है अभी ब्रॉन्ज प्लान आपको मिलता है तीन डॉलर में सिल्वर प्लान आपको मिलेगा फाइव डॉलर पर मंथ और गोल्ड प्लान आपको मिलता है नाइन डॉलर पर मंथ गलती से भी कभी भी मंथली प्लान मत लेना मंथली प्लान अगर आप लोगे तो आपको सस्ता दिखेगा लेकिन सस्ता होता नहीं है यहाँ पर आपको लेगा कि 0.59 डॉलर पर मंथ यहां पे लिखा हुआ है ठीक है लेकिन गाइज इसका जो है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? पहला महीना तो आपको सस्ते में मिल जाएगा लेकिन दूसरा महीना आप देखो डॉलर लग रहे सीधे इस प्लान की प्राइसिंग तीन डॉलर है और आपको रिन्यूअल के टाइम पे पर डॉलर देने पड़े और फिर हर महीने डॉलर में रिन्यू होगा ठीक है अगर आपने एक बार मंथली ले लिया तो फिर आपका हर बार हर बार रिन्यूअल जो है वो छह डॉलर में होगा ठीक है इसीलिए या तो बारह महीने का लेना या फिर छत्तीस महीने का देना ठीक है मंथली प्लान गलती से भी मत ले लेना ठीक है है ये मेरी एडवाइस बाकी देखो अपनी अपनी चॉइस है अगर क्योंकि कोई भी लेगा नहीं मुझे पता है लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको दिख रहा है कि रिन्यू होगा ये छह डॉलर पे और गए छह डॉलर पे ही यह रिन्यू होगा अगर आपने मंथली प्लान लिया तो लेकिन अगर आप इला प्लान लेते हो तो आप जिस प्राइस में आज लोग इसी प्राइस पे हमेशा आपका रिन्यूअल होता रहेगा ठीक है कभी भी रिन्यूअल की कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी खास बात है ठीक है अब इनमें से प्लान को देख लेते हैं क्या मिल जाता है ठीक है क्योंकि अगर ये कंपनी चाहती है तो प्राइसिंग कम रखकर अनलिमिटेड बेनिफिट को सो जीबी का बेनिफिट या दो सौ जीबी का बेनिफिट कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इन्होंने प्राइसिंग बढ़ा दी लेकिन जो सर्विसेज पहले देते थे बिल्कुल उसको सेम टू सेम रखा है थर्टी जीबी का एनवी एस स्टोरेज यहां पर भी आपको एनवीएम एस स्टोरेज मिलता है इसलिए मैंने इसको ऐड किया ठीक है फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन ठीक है डोमेन आपको फ्री मिल जाता है एसएस सर्टिफिकेट फ्री माइग्रेशन डेली बैकअप यहां पर क्लियरली डेली बैकअप लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर अगर देखो क्लाउड भी चाहते तो डेली बैकअप डायरेक्टली लिख सकते थे टेन डेज बैकअप की जगह लेकिन क्लाउड को बताया कि जो इनसे होस्टिंग लेंगे उन्हें इतना तो पता ही होगा कि टेन डे बस का मतलब ये होता है कि हर बैकअप को टेन दिन दस दिन तक रखा जाता है हर बैकअप को दस दिन तक रखने का मतलब क्या होता है डेली बैकअप होगा तभी तो दस दिन तक रखेंगे दिया। अब लाइट स्पीड वेब सर्वर आपको यहाँ पे मिल जाता है ठीक है ये भी बिल्कुल सेम चीज है क्लाउड सर्वर और ऊपर से लाइट स्पीड वेब सर्वर ठीक है सी पैनल आपको यहाँ मिल जाता है और फोर्टी फाइव डेज की मनी बैक गारंटी आपको मिलती है यहाँ पे ठीक है ये सारी चीजें यहाँ पे और सबसे सस्ते वाले प्लान में यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि थर्टी जीबी का स्टोरेज मिलता, मिलता है पर तो आप एक जीबी स्टोरेज में भी कर सकते है। वो भी से एक दो तो तो कर है। अब दूसरे प्लान में हंड्रेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और पचास जीबी का स्टोरेज है और तीसरे प्लान में यहाँ पे सौ वेबसाइट पर अनलिमिटेड कर सकते और हंड्रेड जीबी का स्टोरेज आपको जाता है दूसरे प्लान में फिफ्टी जीबी का स्टोरेज तीसरे प्लान में हंड्रेड जीबी स्टोरेज और दूसरे प्लान में हंड्रेड वेबसाइट मिल जाए तो यहाँ पर अनलिमिटेड देखो अनलिमिटेड वेबसाइट के चक्कर में मत जाना अनलिमिटेड भी बहुत ज्यादा एक ही केस होता है जब आप अपने स्टूडेंट्स मान लो कि आपको इंस्टीट्यूट है आप वेब डिजाइनिंग सिखाते हो आपको अपने स्टूडेंट्स को फ्री में जो है आ, होस्ट करके देना है उस केस में आप ये वाला प्लान ले सकते हो बाकी इसका कोई काम नहीं है रियालिटी है ठीक है तो इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है तो वर्क मेरे हिसाब से ये मेरा दूसरा चॉइस रहेगा मैं क्लाउड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं क्लाउड में हमारा सबसे बढ़िया केस स्टडी जो निकल के आया वो क्लाउड में निकल कर आया है ठीक अब वर्पेक्स का भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिव्यूज रहते हैं हमने यहां क्लाउड का देखा है तो वर्पेक्स का भी बनता है देखना वर्पेक्स होस्टिंग और यहां देख लेते हैं यहां पे फोर का रिव्यू आया है ठीक है वर्पेक्स का जो रिव्यू फोर पॉइंट है और यहां पर हम इनका सर्वर चेक कर लेते हैं देखेंगे तो यहां मिल जाएगा आठ बारह बारह और दो चौदह चौदह जगहों पर इनका सर्वर है और यहां पर एक खास बात वर्पेक्स का यह है कि मुंबई और बैंगलोर इंडिया में दो जगहों पर सर्वर दिया है तो वर्पेक्स को पसंद करने का ये एक और रीजन है ठीक है तो आप जो है जा सकते हो हाँ डेफिनेटली प्राइजिंग केमिक्लाउड थोड़ी ज्यादा है लेकिन कई दोनों के दोनों वैल्यू फॉर मनी है ठीक है फिर भी अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा कि केमिकल इज इस बेटर ऑप्शन है क्योंकि हमारी केस स्टडीज हमारे एक्सपीरियंस जो कहता है वो क्लाउड के लिए थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है ठीक है तो का, काफी सारे रीजन है इसके लेकिन आ, हम पूरा पूरा एनालिसिस आपको बता नहीं सकते हैं लेकिन हाँ एक चीज है कि ये दोनों ही कमी अच्छी है लेकिन फिर भी एक कदम आगे क्लाउड है अब रहता है होस्टिंग अब गैस अगर आप मुझसे पूछोगे क्या एक होस्टिंग एक क्लाउड होस्टिंग कंपनी है तो गाइस मैं बोलूंगा कि नहीं लेकिन यहां पर आपको क्लाउड होस्टिंग मिलती है अब इनकी कहानी टोटली अलग है मैं बताऊं यहां पर आपको नॉर्मल होस्टिंग भी मिलती है क्लाउड होस्टिंग मिलती है ये पूरी की पूरी कंपनी क्लाउड होस्टिंग पे काम नहीं करती है क्लाउड सर्वर पे काम नहीं करती है ठीक है ये आपको हर प्राइस पे हर लेवल पे आपको यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है तो मैं आपको दिखाता हूं इनके जो क्लाउड होस्टिंग प्लान्स है वो मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर जो है शुरू होता है सिक्स नाइनटी पर मंथ से सिक्स नाइन्टी मतलब कितने डॉलर होते हैं हम देख लेते हैं डॉलर टू रुपी और ये आप देख सकते हो सिक्स नाइनटी नाइन अभी डॉलर की थोड़ी सी नीचे आई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉरी यहां पे लिखना था सिक्स नाइनटी नाइन तो आठ डॉलर से इनकी प्राइसिंग शुरू होती है ठीक है एट वन फोर फोर आई मान के चलो कि ठीक है इससे थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि अभी डॉलर कीमत जो है डाउन हो गई तो आप देख सकते हो इनका जो प्लान है इनका प्लान आपको बाकी सभी होस्टिंग प्लान से अलग दिखेगा तीन सौ वेबसाइट सबसे पहले तो ये अब यहाँ पे अनलिमिटेड भी लिख सकती थी ये कंपनी है ना कि <laughs> तीन सौ किसपो चाहिए होते हैं अनलिमिटेड ही हो सकती है अब ये कंपनी अनलिमिटेड रख रही है ठीक है अब तीन सौ से ज्यादा कौन होस्ट करेगा कंपनी को भी पता है दो सौ से भी दो सौ भी कोई यूज नहीं करने वाला है ठीक है तो अनलिमिटेड वेबसाइट लिख सकते हैं हो, हो, हो सकता है शायद ये कंपनी दो सौ ही रही हो सकता है कंपनी तीन सौ रही हो सकता है कंपनी चार सौ रही हो लेकिन अगर कोई चार सो होस्ट करना चाहे तो यहाँ पे कर सकता है लेकिन यहाँ पे कर नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा नहीं है कंपनी दावा नहीं कर रही है कि हम अनलिमिटेड दे देंगे वेबसाइट आप कर सकते हो और यहां पर भी आप तीन सौ कर सकते हो चार सौ भी कर सकते हो क्योंकि उन्होंने अनलिमिटेड लिख दिया है अब लिखा तो देना ही पड़ेगा वो बात है टू हंड्रेड जीबी का एनबीएम स्टोरेज अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंपनी इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं देती जो देती जो डेली टू हंड्रेड जीबी अगर मान लो किसी ने भर दिया तो अब डेली बैकअप अगर देंगे तो 200 जीबी का हर रोज बैकअप लेना पड़ेगा कंपनी कितने सारे यूजर्स होंगे इनके सबका बैकअप लेना पड़ेगा कितना सारा स्टोरेज होना चाहिए अब गाइज बात यह है कि यहां पर प्राइजिंग ज्यादा मैंने कहा कि अगर प्राइजिंग ज्यादा होगी तो यह चीज पॉसिबल हो सकती है ठीक है और कंपनी को पता है एक बंदा टू जीबी भरेगा दो बंदे भरेंगे हजार में से एक या दो जने ऐसे होंगे जो 200 हंड्रेड जीबी स्टोरेज भरेंगे बाकी कोई भी एक जीबी स्टोरेज तक नहीं भर पाएगा ठीक है तो इसलिए कंपनी ये बजा जानती है कि किसी किसी का पूरा बैकअप लेना पड़ेगा लेकिन कुछ बहुत से लोगों का नहीं लेना पड़ेगा तो ऐसे में क्या है कंपनी को बहुत ज़्यादा स्टोरेज तब भी बजाय कंपनी हमेशा फायदे में रहेगी ठीक है तो ये चीज है अगर किसी ने टू जीबी पूरा भर दिया तो भर लो भाई कोई बात कोई बात नहीं हम ले लेंगे बैकअप कंपनी का ये सीन है ठीक है लेकिन ज्यादातर लोग एक जीबी भी नहीं भरते तो उनके केस में कंपनी दस दिन तक अगर बैकअप रखती है तो उन्हें सिर्फ दस जीबी रखना पड़ेगा है ना तो उस तरीके से कंपनी दिमाग लगाती है ठीक है और यहाँ पर आपको तीन जी बी रैम मिलेगा टू कोर सीपी मिलेगा यहाँ पर सिक्स जी बैठेगा फोर सी पी मिलेगा सिक्स कुछ बदलाव नहीं किया है ठीक है वो हमेशा पहले जब मैंने उस ब्लॉग को होस्ट किया था, तो क्लाउड स्टार्टअप से मैंने शुरू कर दिया मैंने नॉर्मल होस्टिंग तो ली ही नहीं थी मैंने क्लाउड स्टार्टअप से शुरू किया था फिर आज वो क्लाउड प्रोफेशनल पर रन हो रहा है मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इसको उठा के वर्पेक्स में डाल दूंगा या फिर मैंने इसको उठा के

चांस नहीं लेना जब कोई चीज अच्छी चल रही तो उसे ना छेड़े वो बेटर है, अच्छी क्या? बहुत अच्छी चल है भी मतलब क्या एक्सपेरिमेंट तो करेगा नहीं मैंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो मेरा जो ब्लॉग है, होता है प्रोफेशनल प्लान पे। मुझे मिलता है सिक्स जीबी रैम और फोर कोर सीपी बहुत ज्यादा पावर है पावर है फोर कोर सीपी किसे कहते हैं चार चार दिमाग ठीक है एक इंसान के पास एक दिमाग होता है उसमें वो क्या कुछ नहीं कर लेता अगर चार चार दिमाग मिल जाए तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कुछ नहीं कर सकते तो बस वही बात है भी मिला, जी भी रहा, बहुत है यार, बहुत है पे बहुत बहुत यार ठीक है बाकी सारी चीजें सब कुछ है है इस प्लान में ठीक प्राइसिंग बाकी कंपेटिवली ज्यादा है काफी ज्यादा है मैं बोलूंगा कि तीसरा प्लान जो अगर आप देखोगे ढाई हजार रुपए पर मंथ देने का प्लान है दूसरा प्लान हजार रुपए पर मंथ देने का प्लान तो मतलब कहीं ना कहीं कहीं ज्यादा है ये मतलब अभी देखोगे बारह डॉलर पर मंथ आपको देना पड़ेगा इसमें लेकिन मैं दे रहा हूं क्योंकि आई डोंट टू चेंज माई होस्टिंग ठीक है आई टू टेक द रिस्क इस वजह से मैं दे रहा हूं ठीक है तो गाइस इन तीनों के डिस्काउंट लिंक आपको मिल जाएंगे होस्टिंगर में आपको 80 परसेंट का डिस्काउंट जो है अप्लाई हो जाता है अगर आप लिंक पर क्लिक करके आते हो और आपको जो है थ्री मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है और ऊपर से आपका रिन्यूअल की कॉस्टिंग हमेशा सेम हम रहती है ठीक है, हो है तो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फिर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो अब आप के कर सकते हो तो दोस्तों कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना वीडियो पसंद को लाइक कर देना चैनल को सही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेलाइक लेना क्योंकि इसी तरीके से आपको आगे भी रहेंगे तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों की आपको भी कर दीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो आज के वीडियो इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद